ये पानी इतना भरा हुआ है, गाड़ी आई थिंक खराब हो गई है। तो ये जब मैं सुबह आया, जब भी ये गाड़ी यहीं पे खड़ी थी, तो इस लोग आपको लेकर जानी पड़ेगी गाड़ी। खड्डों का ही नहीं पता कहाँ खड्डा है और कहाँ पानी है। ये है भाई सेक्टर 10 का रोड, और यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा आपको जाम नहीं मिलेगा कभी। लक बाई चांस आपको जाम ना मिले तो समझ में आता है, अदरवाइज ये रोड ऐसा है कि आपको जाम मिलेगा ही मिलेगा। देख रहे हैं आप कितना जाम है। उस साइड का रोड खाली है लेकिन इधर जाम है, जाम ही जाम। राइट में सारा सेक्टर 10 ही है, और ये आपका लेफ्ट में 37 इंडस्ट्रियल एरिया है सारा। लेफ्ट में आप देखेंगे बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ पे जाके थोड़ा सा जाम खुला है। अब तो आज तो कुछ भी नहीं है, कोई भी कहीं चले, कोई लेफ्ट से जा रहा है, कोई राइट से, और कोई स्ट्रेट, कोई भी कहीं से जा सकता है, फ्री रोड है। और ये देखिए ये भाई साहब नो एंट्री, इनको मतलब आना जल्दी, हर किसी को जल्दी है। तो मैं तो सबसे ये सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, दुर्घटना से देर भली। यहाँ पे राइट में CNG पंप भी है, अगर किसी के पास CNG की कार है और CNG भरवाना है तो यहाँ पे ये खाली मिलता है। लगभग बहुत रेयर चांसेस है कि आपको इसमें भीड़ मिलेगी, तो CNG पंप आप देख रहे हैं, CNG पंप भरवा सकते हैं। यहाँ पे आके थोड़ा सा जाम कम हुआ है, आगे फिर जाम मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी के लिए अब क्या है कि एक नया फ्लाईओवर बन रहा है, वो सामने आप देखेंगे ना, सामने फ्लाईओवर बन रहा है। ये अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है, चल दिया है आई थिंक, मैं गया नहीं उस पर, और अगर ये चल चुका है तो 100% हम इस पर जाएंगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये चालू हुआ है। अभी ये चालू हुआ नहीं है, ऑपरेशनल एक साइड से है, एक साइड से ऑपरेशनल नहीं है। और यहाँ भी आप देखेंगे जाओ, कोई रेड लाइट नहीं है, कोई चौक नहीं है। और ये जो एंट्री आप लेफ्ट में देख रहे हो, ये 37COD की एंट्री है। ये देखिए ये भाई साहब तो रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, बिल्कुल रॉन्ग साइड से। अब एक दो गाड़ी अगर ऐसी आ जाए ना जाम में तो बहुत खतरनाक जाम लग जाता है, आप समझ रहे हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी लेन में चलें ताकि जाम ना लगे ज़्यादा। हॉर्न देना पड़ा तब ये भाई साहब हटे, इनको नहीं मतलब कि लेफ्ट से लोग जाएंगे। ये देखिए ये अब हम आ गए हैं बसई विलेज में, और यहाँ पे भी अब जाम देखना, ये देखो दूर तक आपको दिखाई दे रहा है जाम। ये हमेशा ऐसे ही रहता है, आप कभी भी आ जाओ। तो गाइज ये बसई विलेज खत्म हो गया, अभी हम जा रहे हैं बसई विलेज के फ्लाईओवर पे, मतलब इसको फ्लाईओवर बोलते हैं बसई का, इसके नीचे रेलवे ट्रैक है। फ्लाईओवर आपको खाली दिख रहा है, ज़्यादा है नहीं जाम यहाँ पे, अदरवाइज ये भी बहुत, मतलब अगर थोड़ी सी बारिश हो या मॉर्निंग के टाइम में आप आते हो ना तो यहाँ पे आपको घंटों लग जाते हैं इस फ्लाईओवर को पार करने में। अभी जो मैं आपको लेके जा रहा हूँ नीचे, अब यहाँ पे देखोगे ना जाम। अगर आप भी द्वारका एक्सप्रेस वे से गुड़गांव में एंटर कर रहे हो तो इस रोड को अवॉइड करें, एक और रोड है जो आपका दौलताबाद फ्लाईओवर है वहाँ से आप जा सकते हैं, प्लस में एक और रोड है आपका जो बटोदी रोड है मेन, थोड़ा सा दूर पड़ेगा, लंबा पड़ेगा, लेकिन रोड बड़ा सेफ है वो। और यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कितना पानी है, ये आप देख रहे हो राइट साइड में, लोग ना रॉन्ग साइड से जा रहे हैं क्योंकि पानी इतना भरा हुआ है, क्योंकि पानी है। और इस अगर मेरी राइट साइड में आप देखोगे ना, ये राइट साइड आपको जो दिख रहा है जहाँ से बस आ रही है, ये दो दो यहाँ तो पानी फिर भी कम है, और जहाँ से हम जा रहे हैं यहाँ तो बहुत ज़्यादा पानी है। ये देखो पानी प्लस खड्डा, आगे देखोगे गाड़ी बिल्कुल टेढ़ी हो गई है,
गाड़ी आई थिंक ख़राब हो गई है, तो ये जब मैं सुबह आया जब भी ये गाड़ी यहीं पे खड़ी थी बिल्कुल पहले गियर पे गाड़ी चलेगी, दूसरा भी नहीं लगा सकते बिल्कुल। तो लो आपको लेकर जानी पड़ेगी गाड़ी। खड्डों का ही नहीं पता कहाँ खड्डा है और कहाँ पानी है, थोड़ा सा आइडिया है इसलिए हम बच बता कर आ गए। तो फाइनली हम निकल चुके हैं पानी से। तो गाइस आप इस रोड को मत सेलेक्ट करें, दूसरा रोड ले, इस रोड को अवॉइड करें। और ये हम द्वारका एक्सप्रेस वे पहुँच चुके हैं, आप यहाँ से लेफ्ट ले सकते हैं, आप यहाँ से राइट ले सकते हैं। तो गाइस इस रोड को ना आप सेलेक्ट करें, दूसरे रोड से जाएं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।